क्रेजी पीपल, वेलकम बैक टू यवतमाल व्लॉग 2। हे क्रेजी पीपल, आपकी फूडी सेजी क्रेजी आ गई एक नया फूड ब्लॉग लेके। आज मैं आई हूँ पिज्जा पजल में, जो कि है यवतमाल में और ये काफी ज्यादा फेमस है कुल्लर पिज्जा के लिए। यहाँ पे डिफरेंट पिज्जा, सैंडविचेस, गार्लिक ब्रेड, तवा पिज्ज़ा और कुल्लर पिज्ज़ा भी मिलता था। मैंने सोचा कि कुल्लर पिज्ज़ा ही ट्राई किया जाए क्योंकि ये कुछ नया था और साथ ही साथ मुझे लगा कि मेरे व्यूवर्स के साथ, जो कि मेरे जैसे फूडी है, रेसिपी भी शेयर की जाए। तो सबसे पहले उन्होंने पिज्ज़ा का बेस को एक प्रॉपरली कट किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उसे प्रॉपर मिक्स किया है विद सम वेजीज एंड सॉसेस, जिसकी वजह से एक प्रॉपर टेम्पटिंग मिक्सअप उसका टेस्ट आ रहा था। उसमें कुछ पनीर के पीसेस भी ऐड किए थे जिससे वो चीजी और बहुत सही लग रहा था। देन सॉस, टोमेटो सॉस, उसे प्रॉपरली मिक्स किया गया। देन ये है कुल्लड़ और इसमें उन्होंने फिल किया था ये स्टफिंग को। सबसे पहले वो स्टफिंग फिल किया है, उसके बाद उसमें मोज़रेला चीज डाला था, देन उसके बाद एक और लेयर वो स्टफिंग की डाली थी एंड एट लास्ट उन्होंने फिर से मोज़रेला चीज की लेयर डाली है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डीप में चीज भी था प्लस उसका स्टफिंग की दोनों का बहुत सही टेस्ट आ रहा था। देन उसे एक ओवन में बेक करा है 3 to 4 minutes। उसके बाद ये बर्निंग किया था जिसकी वजह से एक स्मोकी और एक बहुत अच्छा कुल्लड का टेस्ट आ रहा था उसमें, और ये प्रोसेस मेरे हिसाब से 5 मिनट तक चली थी और ये देखने में बहुत सी, मुझे शूट करने में भी बहुत मज़ा आया और वो भैया ने एंड टू एंड हमें कॉपरेट किया। सो थैंक यू। एंड अगर आप यवतमाल जाते हैं तो प्लीज़ पिज्ज़ा पजल को एक बार तभी विजिट करना। उसके बाद उन्होंने लास्ट में स्टफिंग के लिए चिली फ्लेक्स ओरिगैनो और उनका स्पेशल मसाला डाला था और अब टाइम है टेस्ट करने का और मैंने इसे टेस्ट किया। लिटरली फील इट इज़ अमेजिंग नाइस एंड आपने इसे एक ट्राई भी करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड next video and do like, share, subscribe. Bye bye, see you next vlog.